यूपी के संभल में दो दिन पहले हुई तेजाब हमले की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें तेजाब हमले की वारदात फर्जी निकली। पुलिस ने खुलासे में बताया कि जिस शख्स ने खुद के ऊपर तेजाब से हमले की शिकायत कोतवाली में दर्ज करवाई थी, उसका छोटा भाई दहेज हत्या के आरोप में जेल में बंद है। उसी मामले के फैसले में दबाव बनाने को लेकर आरोपी ने इस पूरी वारदात को खुद ही अंजाम दिया है, जिसके आरोप में वह खुद फंस गया। मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 3 फरवरी को शाम करीब 5 बजे हयात नगर निवासी शाहिद तेजाब से झुलसी हालत में कोतवाली चंदौसी में पहुंचा, जहां उसके कपड़े जले हुए थे और उसके शरीर पर तेजाब भी उड़ेला हुआ था, जिसको देखकर आनन फानन में पुलिस ने उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसके बाद मामला संदिग्ध लगने पर मामले की गहनता से छानबीन की तो मामला फर्जी निकला। पुलिस ने 2 दिन बाद पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि शाहिद के छोटे भाई मुशाहिद की शादी 2012 में असलम की बहन तबस्सुम से हुई थी, जिसके बाद दोनों में आपसी अनबन के कारण मुशाहिद ने तबस्सुम की शादी के 3 साल बाद हत्या कर दी, जिसके बाद दहेज हत्या के आरोप में आरोपी अभी तक जेल में बंद है, जिसको लेकर जेल से उसे छुड़वाने के लिए शाहिद काफी बार असलम से फैसले को लेकर दबाव बना चुका है, लेकिन असलम द्वारा फैसला ना किए जाने पर शाहिद ने एक प्लान बनाया और उसी प्लान के तहत खुद के ऊपर तेजाब उड़ेलकर थाना हयात नगर निवासी प्रेम पाल को गवाह के रूप में प्रस्तुत करके कोतवाली पहुंचा और खुद के ऊपर तेजाब के आरोप में असलम और उसके भाई शमसुद्दीन पर तेजाब हमले का आरोप लगाया, ताकि असलम शहीद से फैसला कर सके और जेल में बंद उसका भाई जेल से वापस आ सके। लेकिन आरोपी अपने ही जाल में फंस गया और पुलिस ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। संभल से संवाददाता सदाम हुसैन की रिपोर्ट। साहिद जी, तो तुमने इसका जो ये एक नौटंकी टाइप की क्यों की, क्या इसका कारण है, क्यों आपने अपने ऊपर तेजाब डाला और ये तेजाब की जो घटना है झूठी घटना, तुमने फर्जी घटना क्यों बनाई? मेरे बच्चे जो है उसके परेशान थे, भाई भी, माँ भी परेशान थी, बहुत कोई है ना खाने कमाने वाले करने वाले। मतलब तुम्हें इससे क्या मिलता? मतलब फैसले के लिए दवा बनाने के लिए आपने ये फर्जी घटना की? पूछो। हाँ सर, क्या मामला है? दिनांक 3/2/2020 को एक व्यक्ति थाने पर आया जिसका नाम शाहिद था। उसने आगे ये बताया कि मेरे ऊपर हयात नगर के असलम और नफीस ने मेरे ऊपर तेजाब डाल दिया है, जिससे मैं जल गया हूँ और मेरे बच्चों पर छींटे पड़े हैं। जब थानेदार को ये तहरीर मिली तो इन्होंने इसकी गहराई से जांच की, तो प्रथम दृष्टया ये मामला संदिग्ध निकला। उसके बाद उसी दिन रात्रि में इंस्पेक्टर मैं हमराजियों के साथ सराय थाना हयात नगर गए और जिसमें इसने जिसको नामित किया था उसको यहाँ पे पकड़ के ले आए और एक गवाह का भी नाम प्रेमपाल जिसका नाम लिखा था उसको भी जब थाने पे लाया गया तो उसने कहा साहब मैं तो इस शाहिद नाम के आदमी को जानता ही नहीं हूँ, ना ही मेरी रिश्तेदारी चंदौसी में है, मैं तो कभी इसको देखा भी नहीं हूँ। तो आज जब इससे कड़ाई से पूछताछ हुई तो एकदम टूट गया और इसने बता दिया कि हम पूर्व में मेरे परिवार के साथ असलम से मुकदमा चल रहा था, जिससे इसका एक भाई जेल में है और उन्हीं उसी भाई को छुड़वाने के लिए ये कई बार फैसले का दबाव भी बनाया, लेकिन फैसला इसका नहीं हो पाया तो इसने ये कहानी अपने स्वयं रची है और इसकी विधिक कार्रवाई अब की जा रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।